हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैट का फर्स्ट लेक्चर है आपका ये, ठीक है। ऑलरेडी जो लोग यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में गिवन है। स्टैट की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए, तो आप स्टैट वहां से जाके प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप पे, जेके एग्जाम करके ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपका मैथ के कुछ चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो गए हैं और जो स्टैट है आपका रिमेनिंग पार्ट वो आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नियर अबाउट आपके आज से आप लगा लो कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो सारा का सारा स्टैट है वो आपका वहां पे अपलोड हो जाएगा, ठीक। चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैट आपका एक्चुअल में है क्या, स्टैट का यूज कहाँ करते हैं, क्यों यहाँ पे जरूरत पड़ी हमें स्टैट की। देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि स्टैट एक्चुअल में है क्या। अगर आप खुद की बात करो, ठीक है, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि हम बात करें जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि एक ग्राफ आप लोग देखते होंगे उस टाइम पे, क्या ग्राफ था वो शो करता था कि कोविड अपनी पीक पे पहुंच रहा है, अब यहां से वो आगे बढ़ेगा या फिर कम होगा, हम लॉकडाउन लगाएंगे तो कितना फर्क पड़ेगा, कितना डिक्रीज होगा। वो जो ग्राफ था वो एक जो स्टैटिस्टिशियन होता है आपका, जो एक मैथमेटिशियन जिसे हम बोलते हैं, वो प्रिपेयर करता है। वो कैसे प्रिपेयर करता है आपका, वो देखता है पुरानी इंफॉर्मेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है किसी चीज में, मतलब एक जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होता है, जो आपका डाटा है, उन डाटा को इकट्ठे करके एक रिजल्ट निकाल के यहां पे लेके आना, ठीक है। जैसे आप बोलते हो कि हम मैच देख रहे हैं आज के टाइम पे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टूर्नामेंट हो रही है, आप देख रहे हो क्रिकेट मैच, तो आप वहां देखते हो कि बताया जाता है कि इस ग्राउंड पे विराट कोहली जो है उसका एवरेज स्कोर इतना है, तो यहां पे उसकी सेंचुरी मारने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो कैसे बोलते हैं इस इंफॉर्मेशन को, वो उसका लास्ट जो रिजल्ट है, जो लास्ट कुछ रिजल्ट होते हैं, हम एक रिजल्ट के हिसाब से डिफाइन नहीं करते हैं, हम देखते हैं लास्ट कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं उसी ग्राउंड का, देखते हैं कि इसकी यहां परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है। तो उसको इकट्ठा करके, उस डाटा को एग्रीगेट करके, उस डाटा को इकट्ठा करके एक रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। वो जो डाटा आपका इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं स्टैट्स। क्या बोलते हैं स्टैट। आप लोगों ने टर्म यूज करते हो एवरेज, क्या यूज करते हो आप एवरेज, ठीक है। तो एवरेज आप बोलते हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कोई डाटा है, आप निकालते हो एवरेज क्या है, सम अपॉन नंबर। सपोज इसका आपका यहां पे एवरेज कितना निकल के आया, 7, क्या निकल के आया, 7। तो जो 7 है वो सारे की सारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट या एग्रीगेट ऑफ डाटा यहां पे हम बोलते हैं स्टैट्स। क्या बोलते हैं स्टैट। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो तो एक मैच के बीच में एक शायद वी कुछ बोलते हैं उसको, आपका इस फॉर्म में एक प्रेजेंट होता है आपको कि बताते हैं कि जो बैट्समैन है ये अगर आपकी पिच है, इस पिच के अकॉर्डिंग उसने यहां पे कितना रन स्कोर किया, यहां पे कितना रन स्कोर किया, ठीक है। लिखा होता है यहां 20%, यहां लिखते 30%, यहां लिखा होगा आपका 50%, यहां 0, 0 और 0 लिखा होगा। तो वो क्या शो करता है कि उसका जो डाटा है, उसने इस रेंज के अंदर यहां पे कितना रन बनाया हुआ, इस रेंज के अंदर यहां पे कितना रन बनाया है। तो हम स्टैट की जब बात करते हैं, ठीक है, तो स्टैट क्या है, रेफर टू द यूज ऑफ कलेक्टेड डाटा, जो भी आपको डाटा मिला हुआ है कलेक्ट होके, ठीक है। देखो कुछ ऐसे डाटा हैं जो आपके स्टैट होते हैं, कुछ आपके डाटा यहां पे स्टैट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात करूं, बोलूं कि एक कौ हैज 4 legs, तो ये आपका डाटा है लेकिन इसे हम स्टैट नहीं बोल सकते हैं। जब तक कुछ आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं होगी, उस इकट्ठी इंफॉर्मेशन को आप जब इकट्ठा करके लिखोगे तो उसे बोलते हैं आपका स्टैट्स। जैसे बोलूंगा द एवरेज हाइट ऑफ ए पर्सन इन दिस स्कूल इज 4.5 feet, तो वो क्या है आपका एग्रीगेट ऑफ डाटा है, तो उसे हम बोल सकते हैं यहां पे स्टैट्स, ठीक है। तो स्टैट रेफर टू द यूज ऑफ कलेक्टेड डाटा इन प्रॉपर एंड प्रिसाइज वे टू हेल्प द डिसीजन मेकर टू रीच बेटर रिजल्ट, ठीक है। एक डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसे प्रॉपर एंड प्रिसाइज वे में यहां पे अरेंज करते हैं, हम प्रिसाइज वे बोल सकते हैं कि उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, या फिर जैसे इंफॉर्मेशन है हम उसे वैसा भी यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। टू द यूज ऑफ कलेक्टेड डाटा इन प्रॉपर एंड प्रिसाइज वे टू हेल्प द डिसीजन मेकर टू रीच बेटर रिजल्ट, जिससे क्या होता है जो आपके डिसीजन मेकर है वो आपका यहां पे बेटर रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं। फिर बात करूं 2011 का सेंसस है, ठीक है, 2011 का सेंसस था जो आपका,
आपने बोला कि उस टाइम पे कुछ भी आप यहाँ लिख दो कि 2011 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी आपकी सपोज यहाँ पे 2 लाख, कितनी थी 2 लाख। तो आप देख रहे हो 2021 में जब सेंसस हुआ तो उस टाइम पे पॉपुलेशन यहाँ पे होगी है 3 लाख। तो आप बोल रहे हो कि 2 लाख से पॉपुलेशन 3 लाख होगी है, तो यहाँ 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, 50% इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ कैसे निकल के आई, क्योंकि आपने डाटा पहले कलेक्ट किया था, डाटा बाद में कलेक्ट किया, और दोनों से आपको यहाँ पे क्या निकल के आया, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 10 साल में कितनी, किस हिसाब से आपकी यहां पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो स्टैट्स रेफर टू द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकली कलेक्टेड डाटा। जो भी आपको डाटा यहां पे न्यूमेरिकली कलेक्ट किया हुआ होगा, उस डाटा को आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले आपने यहां पर उनको कलेक्ट करना है, उसे क्लासिफाई करना है, मतलब किस तरह का आपने डाटा यहां पे लिया हुआ है, उसे रिप्रेजेंट, उसकी प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा आप उसको यहां पे एक तरीके से अरेंज करोगे, फिर उस डाटा को आप कोई निष्कर्ष यहां पे निकाल के आओगे, उसको इंटरप्रेट करोगे, मतलब यहां पे कुछ उससे रिजल्ट निकालोगे, और वो आपका जो है वो क्या शो करता है, स्टैट्स, क्या शो करता है, स्टैट्स। ठीक है, तो स्टैट अगर मैं यहां बात करूं, हम स्टैट में पढ़ने के वाले हैं, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, डिफरेंट जो आपके मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने आपकी यहां पे स्टैट्स की डेफिनेशन किस किस फॉर्म से दी थी। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं स्टैट जो है, अगर मैं एक राजा की बात करूँ ना, ठीक है, जो आप देखते हो पुराने ज़माने में कोई आपका राजा था, अब रामायण की बात करो, ठीक है, रामायण के टाइम पे जब जब आपके जो राम थे, जब वो रावण के साथ एक युद्ध करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मेरे पास कितनी सेना है, मेरे पास कितने लोग हैं, कितनी मेरे पास मैन पावर है जो कि जाके मेरे पास उनके साथ यहाँ पे लड़ सकती है। तो अपने राज्य में कितने लोग हैं, ठीक है, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कितनी आपकी पॉपुलेशन है, कितने आपके पास मैन पावर है जो लड़ सकते हैं, ठीक है, उनके लोगों की रक्षा करने के लिए आपको यहाँ पे कितने लोग चाहिए, तो जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है वो सारा भी एक राजा होता है, जैसे हम बात करें हमारे जो हमारे नेता हैं, उनको पता है कि अगर हमें इस देश के साथ लड़ना है तो हमें यहां पे किन किन चीजों की यहां पे जरूरत है। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को भी यहां पे कलेक्ट करके रखना हम बोल सकते हैं आपका स्टैट्स, क्या बोल सकते हैं, स्टैट्स। ठीक है, हम बात करें कि हम इकोनॉमिक्स की बात करें कि किसी कंट्री में किसी दूसरी कंट्री से कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इकोनॉमी में कितना फर्क आया हमारे देश की। ठीक है, हमारे अब जो बजट बनता है, बजट किस हिसाब से बनता है, ये देख के बनता है कि किन किन चीजों की यहाँ पे जरूरत है, उनका पूरा डाटा कलेक्ट होता है, फिर देन हम यहाँ पे बजट निकाल के लाती है गवर्नमेंट आपकी। ठीक है, तो सब जो है इन सबको हम बोल सकते हैं आपका स्टैट्स, क्या बोलते हैं, स्टैट्स। तो स्टैट्स मीन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेट, यहाँ पे इटालियन में इसको स्टैटिस्टिका बोलते हैं, जर्मन में इसको स्टैटिक बोलते हैं, और लैटिन में इसको यहां बोलते हैं आपका स्टेटस। तो ये कुछ आपकी यहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपके जो देश है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो लैंग्वेज है, वहां पे स्टैट्स को यहां पे इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, तो स्टैट की बात करूं, स्टैट को स्टैट टर्म किसने दी थी और स्टैट के फादर कौन है, तो अगर स्टैट की टर्म की बात करूं तो आपका आर्कन वर्ल्ड जो थे मेरे पास, उन्होंने यहां आपकी टर्म दी थी मेरे पास, क्या स्टैट्स, क्या टर्म दी थी यहां पे इसने मेरे पास आपकी स्टैट, तो आपका आर्कन वर्ल्ड, ठीक है, इसने क्या दिया था आपका यहां पे, ही कॉइंड द टर्म नेम स्टैटिस्टिक्स, क्या नाम था यहां पे इसने, स्टैटिस्टिक्स। और आपका जो फादर ऑफ स्टैट्स है वो किसको बोला जाता है, तो बोलते हैं सर आर ए फिशर जो है उन्हें बोलते हैं आपका यहां पे मेरे पास फादर ऑफ स्टैट्स, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ स्टैट्स। अब हम यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, इसका स्कोप पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे, स्टैट को प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्टैट्स की टाइप क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका इन्फेरेंशियल और आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, ये सब चीजें हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो 3 से 4 वीडियोज आपकी रहेंगी बेस्ड ऑन बेसिक ऑफ स्टैट्स पे, देन जो आपका फर्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, हम उस पर यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक, तो आपका हम इंडियन साइंटिस्ट की बात करें तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ठीक है, आरसी राव, आरसी देसाई और कुछ और आपके साइंटिस्ट थे मेरे पास, जिन्होंने स्टैट्स को प्रॉपर तरीके से थ्योरी दी और उसे यहां पे प्रॉपर तरीके से मेरे पास कुछ आप बोल सकते हैं कि स्टैट्स की फील्ड में कुछ उन्होंने हेल्प किया हुआ यहां पे। ठीक है, अब सम डिफाइंड स्टैट्स एज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, देखो किसी ने बोला कि जो स्टैट है वो क्या है, डाटा है, किसी ने बोला जो स्टैट है वो क्या है आपका यहां पे कोई मेथड है,
ठीक, किसने बोला जो स्टैट्स हैं एज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो आपके फैक्ट्स हैं उनकी यहां पे न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, उनको नंबर की फॉर्म में यहां पे रिप्रेजेंट करना, तो इसे बोला गया यहां पे स्टैटिस्टिकल डाटा। क्या बोला गया? स्टैटिस्टिकल डाटा। और किसने बोला कि ये एक आपका एक मेथड है? मेथड में क्या बोला गया कि सम डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज कंप्लीट बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं कि कुछ तौर तरीके हैं यहाँ मेरे पास, ठीक है, कोई आपके कोई तरीका है यहाँ पे जो क्या है कंप्लीट बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स यूज इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग सच डाटा। जो डाटा है वो किसी प्रिंसिपल के हिसाब से लिया जाता है, कोई टेक्निक है जो यूज करते हैं उसको कलेक्ट करने की और उसको यहाँ पे एनालाइज करने की, उससे कुछ यहाँ पे रिजल्ट निकालने की, ठीक है। तो आप बोल सकते हो स्टैट्स को किसने बोला कि आपका क्या है डाटा, किसने बोला ये क्या आपका यहाँ पे मेथड है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्टैट। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट से आपको जो पीडीएफ मिलेगी उस पर आपकी डिफरेंट जो स्टैट्स की डेफिनेशन है सारी की सारी लिखी होगी, लेकिन आप सिर्फ यहां देख लो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है। सबसे पहले जब आपकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो जिसको हम फादर ऑफ स्टैट बोलते हैं उसकी डेफिनेशन आपको यहां पता होनी चाहिए और ये सेम वर्डिंग आपको याद रखनी है। इसने बोला ए साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज स्पेशली ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसने बोला जो स्टैट्स है ये क्या है एक ब्रांच है किसकी आप यहां पे अप्लाइड मैथमेटिक्स की, एंड मे बी रिगार्ड एज मैथमेटिक्स अप्लाइड टू ऑब्जर्वेशनल स्टडी। जो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है उसका जो मैथ है उसे हम बोल सकते हैं यहां पे आपका स्टैट। क्या बोल सकते हैं? स्टैट, ठीक है। जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकल के आते हैं, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके 10-12 रिजल्ट निकाले, उनकी वैल्यू यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, उनका एवरेज निकाल दिया तो वो क्या निकल गया यहाँ पे आपका एक एक इंफॉर्मेशन का एक सिंपल सी एक एक सिंपल सी नंबर में कुछ रिजल्ट निकल के आ गया, तो उसे बोल सकते हैं आपका यहाँ पे डाटा। जब बोलेंगे उसको यहाँ पे आपका स्टैट, ठीक है। देन बात करते हैं आपका न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है। तो ये बोला गया आपका यहाँ पे डॉक्टर एएल बोले ने आपकी यहाँ पे डेफिनेशन दी स्टैट की इन वर्डिंग्स में। स्टैट इज द साइंस विच डील विद कलेक्टिंग डाटा, कलेक्ट किया, क्लासिफाइंग, उनको क्लासिफाई किया कि कैसा डाटा कहाँ पे है, कंपेयर किया आपस में यहाँ पे डाटा को, एंड इंटरप्रेट किया आपका यहाँ पे कोई रिजल्ट, एंड थ्रो ए लाइट ऑन एनी अफेयर ऑफ इंक्वायरी। जो भी आपको इंक्वायरी करनी थी आपने पहले वहां से डाटा कलेक्ट किया, उन्हें क्लासिफाई किया कि कैसा आपका यहाँ पे डाटा है। सिंपल सी बात करें, हम बोले आपके यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, तो आपने मेल जो है वो क्या हो गया यहाँ पे आपका मेल हो गया यहाँ पे क्लासिफाइंग ऑफ डाटा, ठीक है। आपका कलेक्टिंग हो गया टोटल लोग आपने यहाँ पे कलेक्ट किए, फिर कंपेयर किया आपने यहाँ पे मेल्स में और फीमेल्स में यहाँ पे कितना आपका मेरे पास डिफरेंस है, और वहां से इंटरप्रेट किया आपने यहाँ पे सेक्स रेशियो। तो ये भी क्या है एक आपको स्टैट में, स्टैट आपका इन चीजों में यहाँ पे हेल्प करता है। ये किसने बोला? आपने यहाँ पे लोविट ने यहाँ पे डेफिनेशन दी। और सबसे अच्छी डेफिनेशन हम बोलते हैं आपकी स्टैट में कि सबसे सही डेफिनेशन किसने दी है, तो वो दी थी यहाँ पे आपका प्रोफेसर होरेक आपका सिक्रिस ने। इसने क्या बोला? बाय स्टैट्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब क्या हुआ? डाटा इकट्ठा करना, डाटा कुछ इंफॉर्मेशन जो है उनका इकट्ठा क्या है मेरे पास आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। Affected to a marked extent by multiplicity of causes, ठीक है, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collecting in a systematic manner for a predetermined purpose and place in relation to each other. ये वही definition है जो मैंने आपको basic बता दिया है, वही different different लोगों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे इनकी definition यहाँ पे दे दी है। अब हम बात करें scope and importance of stats. Stats आपका कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा use होता है, तो stat आपका हर जगह पे यहाँ use हो सकता है, ठीक है। बोला in business and industry, आपका business में आप stat को use कर सकते हो कि आप देखोगे last year ये चीज कितनी बनाई थी मेरी factory में और उसके अकॉर्डिंग इस साल उसकी इंक्रीमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो वो क्या है आपका यहाँ पे बताता है। जैसे हमने बोला कि 2011 में मेरी कंपनी में से 500 कोई एक यूनिट कोई चीज निकली थी, 2011 में इतनी निकल गई, 2016 में इतनी निकल गई, तो उसके हिसाब से क्या है आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि आने वाले साल में कितना मेरे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इन मैथ्स, तो मैथ में हम यूज करते हैं स्टैट्स को, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, आपका मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो वो सब क्या है आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स मेरे पास यूज में आता है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में जो स्टैट यूज होता है उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में जब आपका मैथ, एक डेफिनेशन आप लिख लो, इकोनॉमिक्स में जब आपका मैथ एंड स्टैट यूज होता है तो उसे बोलते हैं इकोनॉमी मैट्रिक, इकोनॉमी, इकोनोमेट्रिक,
क्या बोलते हैं, इकोनोमेट्रिक। तो मैथ में आप यूज करते हो किसका, सॉरी इकोनॉमिक्स में यूज करते हो आप मैथ का या फिर स्टैट का, तो इसे बोलते हैं इकोनोमेट्रिक। ठीक है, अब बैंकिंग में भी आपका इस्तेमाल में आ सकता है कि हमने कितना लोन दिया है, कितना हमें फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो वो क्या है आपका यहाँ पे बैंकिंग में इसका इस्तेमाल आता है। इन प्लानिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट, जैसे आपकी जो गवर्नमेंट है वो बजट निकालती है, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ निकालती है कि कितनी जरूरत है किस जगह पे कितनी कितनी चीजों की, तो वो क्या है आपका यहाँ पे स्टैट्स की हेल्प से वो निकल के आता है। देन बात करें एजुकेशन पर्पज के लिए, ठीक है, एजुकेशन में भी बोलते हैं कि एक क्लास में एवरेज मार्क्स जो है बच्चों के कितने है, एवरेज हाइट कितनी है, तो वो सब क्या है आपका यहाँ पे इस पर्पज में हो गया। आपका एस्ट्रोनॉमी हो गया, डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करते हो प्लैनेट्स के बीच में, हेवनली बॉडी के बीच में, ठीक है, आप 5-10 बार डिस्टेंस निकालते हो, देन आप एक एग्रीगेट यहाँ पे रिजल्ट निकाल के लाते हो मेरे पास कि हाँ इतना डिस्टेंस है यहाँ पे। और बायोलॉजी में यूज करते हो, मेडिकल साइंस में यूज करते हो, तो हर जगह पे आपका साइंस का, आपका स्टैट्स का इस्तेमाल होता ही होता है। इसलिए जो स्टैट्स है वो आज के टाइम पे आपका क्या है, आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। क्या है आपका यहाँ पे इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हर जगह पे आपका स्टैट्स का इस्तेमाल हो ही रहा है। हम हॉस्पिटल जाएंगे, इस साल हॉस्पिटल में कितने लोग आए, कितने लोग ठीक होके निकले, कितने लोगों हम वहां पे मर गए हैं आपके, ठीक है। जैसे हम बात करें आपकी वाइटल स्टैट्स की, कि एक हॉस्पिटल में, अब बात करूं जम्मू कश्मीर का वाइटल स्टैट्स निकालना है, तो बोलूंगा कि यहां पे कितने लोग पैदा हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये कैसे निकलती है आपकी स्टैट्स के थ्रू ही यहां पे निकलती है। हम बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, जिसमें हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो सब क्या है आपके स्टैट्स के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, तो ये कुछ आपका बेसिक था बेस्ड ऑन स्टैट पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो स्टैट है उसको सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, और बात करेंगे आपका कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल आपका स्टैट्स क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस आपकी क्या क्या है स्टैट की। क्लियर? सो गाइस मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।